नंबर 10 महात्मा फुले म्यूजियम। पुणे के इस महत्वपूर्ण संग्रहालय में ढेरों तस्वीरें, मशीनें और साइंस मॉडल्स हैं जो कि उद्योग, कृषि, घरेलू उद्योग आदि के विकास की दास्तान बयां करते हैं। यहां मुगल और मराठा सम्राटों के हथियार रखे हुए हैं और साथ ही यहां पुणे के नज़दीक मौजूद किलों के मानचित्र भी हैं। ये संग्रहालय पुणे के शिवाजी नगर में है। नंबर 9 शिंदे छत्री। शिंदे छत्री 18वीं सदी के कुशल मराठा सैनिक महदजी शिंदे को समर्पित एक स्मारक है। पहले यहां सिर्फ एक शिव मंदिर हुआ करता था और बाद में माधवराव सिंधिया ने स्मारक का निर्माण करवाया। इस भवन की कारीगरी इसलिए खास है क्योंकि इसका निर्माण राजस्थानी और अंग्रेजी वास्तुकला का एक अनोखा संगम है। साथ ही यहाँ शिव मंदिर के पूर्व संतों की प्रतिमा है जो देखने योग्य है। नंबर 8 नेशनल वॉर म्यूजियम। पुणे के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है नेशनल वॉर म्यूजियम। इस संग्रहालय के निर्माण में यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी योगदान किया। 1997 में बना ये संग्रहालय नागरिकों के एक फोरम के परिश्रम का नतीजा है। यहाँ भारतीय सेना और सैनिकों के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ खड़ा मिग विमान कारगिल की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। अगर आपको देश के सैनिकों पर गर्व है तो पुणे का ये म्यूजियम जरूर देखिएगा। नंबर 7 राजीव गांधी चिड़ियाघर। पुणे के नगर निगम द्वारा संचालित राजीव गांधी चिड़ियाघर 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है जो है पशु अनाथालय, कटराज साफ घर और प्राणी उद्यान। साथ ही ये चिड़ियाघर कटराज झील की भी संरक्षा करता है। कटराज साफ घर में हर साल नाग पंचमी पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिसमें सांपों के बारे में जनता को जागरूक कराया जाता है ताकि लोगों द्वारा सांपों पर किए गए दुर्व्यवहार को रोका जा सके। नंबर 6 राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। ये संग्रहालय डॉक्टर दिनकर केलकर के द्वारा जुटाए गए दिलचस्प संग्रह को पेश करता है जिनमें से कई चीजें 14वीं सदी तक पुरानी हैं। इस तीन मंजिला संग्रहालय में सोना, चांदी, हाथी दांत की कई कलाकृतियां तो है ही, साथ ही संगीत के उपकरण, युद्ध के शस्त्र, चित्र आदि भी प्रदर्शित किए गए हैं। ये म्यूजियम बाजीराव रोड पर स्थित है। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 5 आगा खान पैलेस। पुणे में स्थित आगा खान पैलेस एक विशाल हवेली है जिसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने अकाल पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए कराया था। भारत की आजादी के दौरान काफी महत्व रखने वाली इस हवेली में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू जैसे वशिष्ठ नेताओं को बंधक बनाया गया था। नंबर 4 पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन। पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन या जिसे पूला देशपांडे उद्यान भी कहा जाता है, पुणे में मौजूद एक काफी बड़ा उद्यान है। 10 एकड़ में फैले इस पार्क की प्रेरणा जापान के ओकायामा में स्थित कुराकू एन गार्डन से ली गई है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण पार्क के बीच अलौकिक रूप से बहता हुआ पानी है। हरे भरे इस उद्यान में आकर आप काफी हल्का महसूस करेंगे। नंबर 3 पुणे के मंदिर। पुणे में अनेकों प्रसिद्ध मंदिर है जिनको देखने रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। सबसे नामी गिरामी मंदिर है दग्धुशेत हलवाई गणपति मंदिर, इस्कॉन एनवीसीसी मंदिर, चतुर्शृंगी मंदिर, पटालेश्वर गुफा मंदिर और पार्वती मंदिर। दग्धुशेत हलवाई मंदिर में हर साल 10 दिन का गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 2 सिंहगढ़ किला। सिंहगढ़ किला पुणे के खड़कवसाला इलाके में स्थित है। ये किला 1300 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक इस किले का निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ था।
अगर आपके पास समय की बंदिश ना हो तो आप सिंगड़ किले से कुछ दूरी पर स्थित खड़क वसाला बांध देखने भी जरूर जाएं। ये जगह साइकिलिंग का शौक रखने वालों के लिए काफी खास है। नंबर एक, शनिवारवाड़ा। और पुणे के सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है शनिवारवाड़ा, जिसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। ये विशाल महल अपनी भव्यता को अपने बगीचे और फव्वारों से बखूबी बयान करता है। इस महल के प्रवेश पर बाजीराव की विशाल मूर्ति आपका स्वागत करती है। ये किला प्यार की एक अधूरी दास्तान बयान करता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार ये जगह डरावनी है, क्योंकि यहाँ असाधारण गतिविधियां देखी जाती हैं।